हेलो फ्रेंड्स, आज जहां भी देखे सब स्मोकिंग कर रहे हैं, बट क्या हम बचपन से स्मोकिंग करते थे या फिर हम भी उन्हीं लोगों में से हैं जो किसी और को देखकर खुद भी स्मोकिंग स्टार्ट किए? अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 2022 तक की रिकॉर्ड चेक करें तो एस्टिमेटेड 1.1 बिलियन पीपल वर्ल्ड वाइड स्मोकिंग करते हैं, और कुछ कंट्री जैसे कि चाइना और इंडोनेशिया, इनकी परसेंटेज तो एज कंपेयर टू अदर कंट्री काफी हाई है। सो वी ऑल नो दैट स्मोकिंग एक बहुत ही डेंजरस हैबिट है और ये एक सीरियस हेल्थ इशू हो सकता है जो कि ऑलरेडी पैकेट पे भी रिटन होता है। बट डिस्प्यूट द रिस्क, बहुत सारे लोग स्मोकिंग विदाउट एनी रीजन शुरू करते हैं और एडिक्टेड हो जाते हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि दैट ऐसे कौन कौन से रीजन है सो दैट पीपल जो स्मोकिंग ना भी करना चाहते हो वो किसी और को देख के स्टार्ट करते हैं बट अनफॉर्चुनेटली एडिक्ट हो जा रहे हैं। इसके पीछे का रीजन क्या है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। देयर आर मेनली फोर रीजन जिसकी वजह से लोग काफी ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं स्मोकिंग करने से। ऐसे देखे तो ऐसे बहुत रीजन है बट दीज आर द मेन रीजंस। सो लेट्स गो वन बाय वन, इन चारों रीजन को समझते हैं और जानते हैं दैट हम क्यों स्मोकिंग से एडिक्ट हो रहे हैं। नंबर वन, निकोटीन। निकोटीन एक ऐसा हाईली एडिक्टिव सब्सटेंस है जो सिगरेट में पाई जाती है, एंड जब भी कोई लोग ज्यादा स्मोकिंग करने लगते हैं तो निकोटीन यहाँ पे फिजिकल और साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस बन जाता है। एंड जब भी हमारे शरीर में निकोटीन एंटर होती है तब एक केमिकल का रिलीज होता है यहाँ पे, दैट इज डोपामाइन। आई होप सो कि आप डोपामाइन के बारे में जानते होंगे। ये तभी सेक्रेट होता है जब लोग काफी ज्यादा खुशी फील करते हैं या काफी ज्यादा दुखी होते हैं। एंड गाइस, टाइम बाय टाइम इतने हम एडिक्टेड हो जाते हैं निकोटीन से दैट जब भी हम स्मोकिंग करते हैं तो हमारे ब्रेन को काफी अच्छा महसूस होता है। एंड ये सब होता है निकोटीन की लेने की वजह से और डोपामाइन की रिलीज की वजह से, जिसकी वजह से स्मोकिंग छोड़ना इम्पॉसिबल हो जाती है। दूसरा सबसे बड़ा रीजन है सोशल फैक्टर। हमने बहुत बार ऐसा देखा है कि जब भी आपके फ्रेंड सर्कल या फिर कोई फैमिली सर्कल स्मोकिंग करते हैं तो ऑब्वियसली आपका भी मन होता है कि दैट ये क्या है, दैट मैं भी ट्राई करूं इस चीज को, सो दैट आप भी उनके एनवायरमेंट में फिट हो सके। इसके अलावा कुछ ऐसे सोशल एक्टिविटीज भी हैं जिसकी वजह से लोग स्मोकिंग के एडिक्टेड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ड्रिंक करना किसी क्लब या बार में जाके, एंड ऑब्वियसली आपको अगर वहां पे कोई सिगरेट्स ऑफर करता है तो आप मना नहीं कर पाते हैं। एंड इसीलिए सोशल फैक्टर भी बहुत बड़ा मेजर रोल है दैट आप स्मोकिंग से एडिक्टेड हो जाते हैं। तीसरा सबसे बड़ा रीजन है स्ट्रेस एंड एंजाइटी। स्मोकिंग की वजह से कुछ टेम्पररी रिलीफ मिलता है स्ट्रेस और एंजाइटी से। फॉर एग्जाम्पल, डेली लाइफ में जो स्ट्रेस आपके लाइफ में चल रही है उसकी वजह से भी लोग स्मोकिंग करते हैं। हाउएवर एट द टाइम वो रिलीफ बहुत ही शॉर्ट एंड होता है, बट अनफॉर्चुनेटली आप इससे यहाँ पे एडिक्टेड हो जाते हैं। उसके बाद जब भी आपको स्ट्रेस या फिर एंजाइटी फील होती है तो आप यहाँ पे स्मोकिंग करना बहुत ही ज्यादा प्रेफरेंस में लेते हैं और ये फिर लगातार होते रहता है, एंड अगेन आप स्मोकिंग से काफी एडिक्टेड हो जाते हैं। एंड अब आते हैं अपने चौथे और मेन रीजन पे, दैट इज एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग। एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है स्मोकिंग एडिक्शन के लिए। टोबैको कंपनीज अब देखिए तो बिलियंस ऑफ डॉलर स्पेंड करती है प्रमोटिंग इट्स प्रोडक्ट थ्रू एड्स, स्पॉन्सरशिप और अदर मार्केटिंग। एंड ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है जिसकी वजह से लोग स्मोकिंग के लिए काफी एडिक्टेड हो जाते हैं। ओवरऑल अगर कंक्लूजन पे आए तो ये यहाँ पे मेन रीजन थे जिसकी वजह से लोग काफी एडिक्टेड होते हैं स्मोकिंग से, दैट इज निकोटीन, द सेकंड वन इज सोशल फैक्टर्स, एंड द थर्ड वन इज स्ट्रेस एंड एंजाइटी, एंड द लास्ट वन इज एडवर्टाइजमेंट एंड मार्केटिंग। बट अनफॉर्चुनेटली गाइज, जब आप यहाँ पे एडिक्टेड हो जाते हैं तो सबसे बड़ा चैलेंजेस होता है स्मोकिंग को छोड़ना। एंड मोर थिंग दैट इंपॉर्टेंट टू रिमाइंड यू दैट स्मोकिंग छोड़ना कोई बड़ी चीज नहीं है, आप चाहें तो कभी भी छोड़ सकते हैं और आप अपने हेल्थ को अच्छा इंप्रूव भी कर सकते हैं। बट वेल्स, इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू कि दैट आपको क्या चाहिए, क्या आपको स्मोकिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही में वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेटिव सीखना मिला हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दे। टिल देन गाइस, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड बाय बाय।